अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे देसी चिकन। देसी चिकन का कोरमा। ये मेरे पास 1 किलो देसी चिकन है। इसमें जाएंगे 2 दरमियाने साइज के टमाटर, 1 प्याज, प्याज थोड़ी बड़ी है। टमाटरों का मैंने छिलका उतार लिया, प्याज को चाप कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं। हम बनाना शुरू करेंगे। मैंने ऊपर बर्तन रख दिया, हंडिया समझो रख दी। अब इसमें डालेंगे देसी घी। ये मेरे पास 100 ग्राम देसी घी है, मैंने 100 ग्राम इसमें डाल दिया। जब घी गर्म हो जाए फिर इसमें प्याज डालेंगे, ठंडे में प्याज नहीं डालेंगे। घी गर्म हो गया, अब ये प्याज है, प्याजों को आप बारीक स्लाइस कर लें। जब भी हंडिया बनाएं प्याज जो है वो आपके बारीक स्लाइस होने चाहिए। अब इन प्याजों को हमने ब्राउन करना है। अब ये देखिए प्याज जो है अब ये गोल्डन हो गए हैं। अब यही इनको रोक लेते हैं। अब इसमें पहले डाल लेते हैं थोड़ा पानी। अब डालेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। पानी मैंने इसलिए डाला है कि मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट था, उसमें पानी नहीं था, मैंने थोड़ा पानी डाल दिया कि जाते जाते लहसुन अदरक का पेस्ट जलना ना शुरू हो जाए। अगर आपका लहसुन अदरक का पेस्ट पानी वाला है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि प्याज जो है आप इनको हल्की आंच पे फ्राई किया करें। एक तो प्याज आपके बारीक होने चाहिए। अगर तेज़ आंच पे आप फ्राई करेंगे प्याज, प्याज अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से जल जाएंगे, आपकी हंडी मसाले में गलेंगे नहीं और तरी पर नज़र आते रहेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट का कच्चापन दूर हो गया। अब डालेंगे 2 टमाटर। टमाटरों का छिलका उतार कर डाला करें कि वो गल जाते हैं मसाले में, छिलका नज़र नहीं आता, खूबसूरत लगता है मसाला। साथ ही हम कुछ मसाले डाल देंगे। मसाले कुछ यूं हैं, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून बादामों का पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टी स्पून कश्मीरी मिर्ची कलर के लिए, 1 टी स्पून जीरा पाउडर, 1/4 टी स्पून हल्दी, नमक हसबे जायका। अगर आप देसी, मैंने देसी घी डाला, अगर आप देसी घी नहीं खाते, नहीं डालना चाहते, नहीं है पास, आप जिस जो भी खाते हैं उसमें बना सकते हैं। मैंने बादामों का पाउडर डाला, अगर आपके पास नहीं है तो उसके बगैर भी बनाई जाती है। ये चिकन जो देसी चिकन है इसमें अल्लाह ने वो तासीर रखी है कि इसमें मसाले न भी डालो तो ये बहुत टेस्टी बनती है। अब ये मैंने मसाले डाल दिए, अब इसमें थोड़ा पानी डालूंगी। पानी डालकर मसालों को अच्छी तरह ग्राइंड करना है। अब मैं पानी थोड़ा डाल के, आधा कप पानी डाल के इसको ढक दूंगी। टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह हमारे गल जाएंगे, तो फिर मिलते हैं। अब हम अपने मसाले को अच्छी तरह इसको फ्राई करना है। इसको आप इस तरह का चम्मच ले लें और इसको इस तरह समझो ग्राइंड कर दें। आप प्याज और टमाटरों को अच्छी तरह मिक्स कर दें। प्याज और टमाटर हमारी चिकन में नज़र नहीं आने चाहिए। मैं इसी तरह मसाला भी फ्राई मेरा होता रहेगा। मसाला जितना आप फ्राई करेंगे आपकी हंडिया इतनी लजीज बनेगी। मसाले को मैं 7-8 मिनट देने हैं और साथ साथ मैं इस तरह चमचा भी चलाती रहूँगी और ये ग्राइंड भी हो जाएंगे, प्याज और टमाटर नज़र नहीं आएंगे। मसाला मेरा फ्राई हो गया, आप चाहो तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगी खड़ा गरम मसाला। इस खड़े गरम मसाले की भी एक अपनी महक होती है। पहले मैंने क्यों नहीं डाला कि मैंने जब प्याजों को ग्राइंड करना था ना तो प्रॉब्लम खड़ी करता, और खड़ा गरम मसाला इसमें खड़ा खड़ा ही खूबसूरत लगता है हंडिया में। अब डाल देंगे अपना चिकन। चिकन मैंने पहले धो लिया था, अब इसको
8 से 10 मिनट चिकन को फ्राई करना है। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें, देखें कि हमारा ये हंडिया जो है नीचे से जलने लगा चिकन, थोड़ा पानी डालते रहेंगे और उसको फ्राई करते रहेंगे। मसाले को मेरे 7-8 मिनट हो गए फ्राई करते हुए। हम तो गांव के रहने वाले लोग हैं, हमारे घर के देसी मुर्गे होते हैं। जब कोई मेहमान आ जाता है या किसी वक्त अपने को ज़रूरत पड़ती तो मर्द हजरात जो थे वो मुर्गा पकड़ने के पीछे लग जाते थे और पकड़ कर उसको ज़िबा करते थे। उसका ज़िबा करते तक औरत जो थी वो मसाला तैयार कर लेती थी। जो ही वो लेकर आते थे, काट कूट के मसाले के अंदर डाला, फ्राई किया, पानी लगाया, तैयार मुर्गा। आप इस मौके पे अपना नमक मिर्च सेट कर लें, चेक कर लें नमक मिर्च कम है तो उसको पूरा कर लें। अगर आपका देसी मुर्गा जो है समझे कि ये पुराना है, ज़्यादा टाइम लेता है, तो आप उसको पहले अलग किसी बर्तन में लहसुन उसके अंदर डाल के उसको थोड़ा गला लें, फिर उसको इस तरह मसाला तैयार करके उसके अंदर डाल दें। मैंने 10 मिनट इसको फ्राई कर लिया। आप चिकन को भी अच्छी तरह फ्राई करेंगे तब आपकी हंडिया मज़े की बनेगी। अब मैं इसमें पानी लगा रही हूँ। ये मेरे पास पानी गर्म है, हो सके तो पानी गर्म लगाया करें, इससे टेम्परेचर जो है वो कम नहीं होता और इसकी लुक अच्छी आती, जायका इसका अच्छा आता है हंडिया का। अब मैं अपने हिसाब से पानी लगाऊंगी कि मेरा गोश्त कितने टाइम लेगा गलने में और मुझे कितना शोरबा चाहिए। और हल्की आंच पे इसको मैं पकाऊंगी। जो हंडिया हल्की आंच पे पकेगी उसका बहुत अच्छा जायका आता है। अब हंडिया मेरी तैयार हो गई है। अब मैं ये 2 से 3 हरी मिर्चें हैं इनको डाल दूं। अब आखिर में डालेंगे 1/4 टीस्पून काली मिर्च। आप अपने जायके के हिसाब से डाल लें, डालना चाहे ना डालना चाहे आपकी मर्जी है। मैं थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी 1/4 टीस्पून। अब इसमें मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब इसमें डालेंगे सब्ज़ धनिया। अगर ये जो मेरे पास सब्ज़ मिर्च थी ये हाट वाली थी, इसलिए मैंने इसको 1-2 मिनट दिए हंडिया में। अगर आपकी नरम हो तो आप बेशक न दें, कच्ची कच्ची मज़े की लगती है। अब इस मैंने चूल्हा बंद कर दिया, सब्ज़ धनिया डालेंगे और मुझे शोरबा चाहिए था, मैंने शोरबा रख लिया। आपको जितना शोरबा चाहिए आप इतना रख लें। अब ये हंडिया हमारी तैयार है, इसको ढक देते हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आज हम ये हंडिया खाएंगे किसके साथ। ये है जी पां, हमारे यहाँ ये बेकरी से मिलती है, ये तैयार करते हैं और ये लोग यही खाते हैं। वैसे ये कई किस्मों की होती है तो ये गोश्त के साथ और चिकन के साथ बड़ी लजीज होती है, तो हम भी लेकर आए हैं तो ये उसी के साथ खाएंगे। उसके साथ शोरबा ज़्यादा जाता है, उसमें डिप करनी करके खाते हैं, तो इसलिए मैंने हंडिया में शोरबा रखा है। तो ट्राई करना, अल्लाह करे आपको पसंद आए। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।